मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने की कवायद के बीच एम्बुलेंस मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट ले जाया गया था वह एम्बुलेंस लावारिस हालत में मिली है। एक अज्ञात व्यक्ति चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर लावारिस हालत में एक ढाबे के पास एम्बुलेंस खड़ी करके चला गया। इस तरह अचानक से एक हाईवे पर एम्बुलेंस का मिलना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। 31 मार्च को इस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इस दौरान जिस यूपी नंबर की एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट लाया गया था वो एम्बुलेंस एक निजी एम्बुलेंस थी जिसका रजिस्ट्रेशन बाराबंकी से किया गया था। एम्बुलेंस की आरसी पर डॉक्टर अलका राय का नाम लिखा था। यह जानकारी पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई और हड़कंप मच गया। इसके बाद जांच के लिए योगी सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। शनिवार को एक टीम पंजाब के लिए रवाना हुई, वहीं दूसरी टीम डॉक्टर अलका राय से पूछताछ के लिए मऊ पहुंच गई।